नमस्कार दोस्तों, सुप प्रिडिक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं अभी जो चालू है बिग बैस लीग 2023 और 24 सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर के बीच में खेली जाने वाले 19 नंबर T20 मुकाबले को। इस मुकाबले में इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन करेगा इसी के बारे में हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। ये मुकाबला जहां पे खेला जाएगा वहां की पिच रिपोर्ट को विस्तार में जानेंगे, दोनों टीम की हेड टू हेड की रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और भी ढेर सारा बात हम यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये मुकाबला कितने तारीख को कितने बजे और किस मैदान पर खेला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो मुकाबला खेला जाएगा 30 दिसंबर शनिवार के दिन इंडियन टाइम के हिसाब से 1:45 पे सिडनी सब ग्राउंड की स्टेडियम पर। चलिए दोस्तों वीडियो की मेन टॉपिक पर चलते हैं, सिडनी सब ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम की पूरी एनालिसिस करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिफेंड वाली टीम, चेस वाली टीम, बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज हो, ये पिच किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की अन्य पिचों की तुलना में ये पिच काफी तेज और काफी उछाल वाली पिच है। पिच पर घास के वजह से यहाँ पे गेंद पर काफी उछाल पाई जाती है। मैच के शुरुआती ओवर में पिच पर घास होने के कारण तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और स्विंग मिलती है, जिसके कारण तेज गेंदबाज शुरुआत में विकेट भी निकाल सकते हैं। तेज गेंदबाज मैच में पूरी तरह से हावी रहते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पिच पर घास खत्म होने के बाद बल्लेबाजों का वापसी होता है और चारों तरफ रन बनाने में भी सफलता मिलती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच सपाट होने के कारण यहाँ पे बल्लेबाज काफी तेज से रन बनाते हैं। बल्लेबाज यहाँ पे तेज गेंदबाजों का सही रणनीति के साथ सामना करते हैं और अच्छे शॉट मार के बल्लेबाज यहाँ पे गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा सकते हैं। इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ अक्सर हमें हाई स्कोरिंग वाला मैच देखने को मिल जाती है। दोस्तों सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर कुल 33 मुकाबला बिग बैश लीग के खेली गई है। इन 33 मुकाबले में से पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 17 मुकाबले में जीते हैं, वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 16 मुकाबले में जीत दर्ज करी है। अगर हम इस पिच की एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई पहले पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम की एवरेज स्कोर रही है 150। इस पिच पर सबसे बड़ा स्कोर ब्रिस्बेन हिट के नाम पर रही है 203 पर 5 विकेट और यहाँ की सबसे छोटा स्कोर जो रही है सिडनी थंडर के नाम पर रही है 15 रन पर 10 विकेट। अगर हम बात करें इस मुकाबले में हमें कितना स्कोर देखने को मिल सकती है, इसको दोस्तों जानने के लिए हमें इस पिच की स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा अभी तक इस मैदान के ऊपर कितना कितना स्कोर कितनी कितनी बार बन चुकी है। तो यहाँ की स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 150 से नीचे का स्कोर 13 बार बनी है, 150 से लेके 170 तक की स्कोर 11 बार बनी है और 170 से लेके 190 तक की स्कोर 7 बार बनी है। बाकी 190 से लेके 200 से ऊपर का स्कोर यहाँ पर 2 बार ही बनी है। इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं इस मुकाबले में वही 160 से लेके 180 तक की स्कोर हमें बनता हुआ देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, पिच रिपोर्ट में हमें जानने को मिला है जो पिच है डिफेंड वाली टीम हो या फिर चेस वाली टीम हो, दोनों को सपोर्ट करती हुई आई है। दूसरे में ये जो पिच है बैटिंग फेवर पिच है, ये पिच खाली बैटिंग पिच है कहना गलत होगा, यहाँ पे तेज गेंदबाज भी हावी रहते हुए देखने को मिलते हैं। वेल दोस्तों, यही सारे थे इस पिच की करंट कंडीशन। वीडियो में आगे चलने से पहले आपके और हमारे प्रॉफिट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप टॉस मैच सेशन खेलते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है कहीं पर पेड़ में खेलें या फिर हार हार के परेशान है, आपको बता दें आप अगर हमारे टेलीग्राम की प्रिडिक्शन से खेलते हैं हमारा गारंटी है कि आप 90% तक प्रॉफिट हमारे यहाँ से निकाल सकते हैं। बिग बैश लीग में हमारा काम बहुत ही बेहतर निकल रही है, बैक टू बैक मैच भी पास जा रहा है, सेशन भी पास जा रहा है, बैक टू बैक जैकपॉट भी मिल रही है। ऐसे में अगर आप सभी क्रिकेट मैच से सही में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं और दोनों टीम की ओर चलते हैं। सबसे पहले इन दोनों टीम की हेड टू हेड की कंपैरिजन करके देख लेते हैं अभी तक इन दोनों टीम के बीच में कितनी बार आमना सामना हो चुकी है, कौन सी टीम अभी तक किसको मात देने में सफल हुई है। इन दोनों टीम की हेड टू हेड की कंपैरिजन करें तो इन दोनों टीम के बीच में अभी तक 23 मुकाबले में आमना सामना हो चुकी है, जिसमें सिडनी सिक्सर की टीम 16 मुकाबला और सिडनी थंडर की टीम 7 मुकाबले में जीत हासिल किए हैं। यहाँ पे टोटल मैचेस की रिपोर्ट में सिडनी थंडर से सिडनी सिक्सर की टीम 6 मुकाबले में आगे रही है। हालांकि इसी मैदान के ऊपर ये दोनों टीम कितनी बार भिड़े हैं इसके ऊपर नजर डालें, इस पिच पर ये दोनों टीम 7 मुकाबला खेले हैं। इन 7 मुकाबले में से सिडनी सिक्सर की टीम 3 मुकाबले में जीत हासिल करी है तो वही सिडनी थंडर की टीम 4 मुकाबले में जीत हासिल की है। टोटल मैचेस के मुकाबले इसी मैदान की रिपोर्ट में हमें जानने को मिली सिडनी थंडर की टीम सिडनी सिक्सर को यहाँ पे मात देने में सफल हुई है। ऐसे में दोस्तों, कौन सी टीम इस मुकाबले में किसको मात दे पाएगा, इस सवाल का जवाब आपको आगे चल के मिलने वाला है। आप हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोनों टीम की प्लेइंग 11 को एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इस मुकाबले में इन दोनों टीम की तरफ से इनके प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिडनी थंडर की प्लेइंग 11 की बात करें, इनके ओपनिंग में हमें देखने को मिलेंगे कैमरन बेनक्राफ्ट के साथ एलेक्स हेल्स, 3 पे जसन सांगा, 4 पे ओलिवर डिवाइस, 5 पे एलेक्स रोज, 6 पे डेनियल सेम्स, 7 पे नदन मैकेनड्रॉफ, 8 पे क्रिस ग्रीन, 9 पे लियाम हेचर, 10 पे जमान खान और आखिरी 11 नंबर में तनवीर सांगा खेलते हुए नजर में आएंगे। इनके अलावा सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों इनके ओपनिंग में हमें देखने को मिलेंगे जोश फिलिप के साथ जेम्स वाइन्स, 3 पे डेनियल होगेस, 4 पे मोइसेस हेनरी क्विस, 5 पे जॉर्डन सिल्क, 6 पे जैक एडवेड, 7 पे
जोएल डिवाइस, 8 पे शेन एवर्ट, 9 पे बेन डिवेशियस, 10 पे जैक्सन ग्रीड और आखिरी 11 नंबर में स्टीव वो किप। यही सारे खिलाड़ी दोनों टीम की तरफ से इस मुकाबले में खेलते हुए नजर में आएंगे। वेल दोस्तों यही सारे थे इस मुकाबले की तमाम जानकारियां। तो आखिरी में चलिए इस मुकाबले में इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन करेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ की सारे स्टैक्स, सारे रिपोर्ट, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हमारे तरफ से इस मुकाबले की जो विनर टीम रहेगी वो रहेगी सिडनी थंडर। हमारे तरफ से इस मुकाबले की विनर टीम तो सिडनी थंडर रहने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है? आपके कीमती सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे चल के यार बहुत सारे मैचेस खेली जाएगी, आईपीएल भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर रहें। हम आगे चल के आईपीएल में प्रॉफिट का धूम मचाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं और एक शानदार दमदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।